नड्डा सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता कि जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार के मंत्रियों के बीच मतभेद सामने आने लगे हैं। बीजेपी के गब्बर यानी अनिल विज और सरकार में उप मुख्यमंत्री और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला धान खरीद मामले में आमने सामने हैं। दुष्यंत धान खरीद मामले में चोरी पर शक जाहिर होने और फिर राइस मिलर्स पर एक्शन लेने पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज दुष्यंत से बिल्कुल उल्टा घोटाले ना होने और राइस मिलर को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। बता दें कि सूबे में धान खरीद घोटाले का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की कमान संभाल रहे दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही कई बार बयान दे चुके हैं कि वो किसानों की धान का एक एक दाना खरीदेंगे। बस इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा धान खरीद मामले को लेकर उठाए जा रहे घोटालों के सवालों पर भी उप मुख्यमंत्री खुद की पीठ थपथपा कर ये बयान दे रहे हैं कि हरियाणा में राजस्व के लुटेरों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि धान खरीद मामले को लेकर उठ रहे सवालों के बाद अब सरकार ने राइस मिल से धान के एक भी दाने के बाहर निकलने और अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके तहत राइस मिल के बाहर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं, जो राइस मिलों के बाहर सख्त पहरा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री दुष्यंत चौटाला के विपरीत राइस मिलरों को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर अनिल विज ने कहा कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, ये तो सरकार ने अपनी धान पर नजर रखने के लिए अपने नुमाइंदे राइस मिलों में बिठाए हैं। विज का कहना है कि राइस मिल संदेह के घेरे में नहीं है, ये तो ज्वाइंट कस्टडी होती है। ऐसे में सरकार अगर अपना आदमी मिल के बाहर खड़ा करती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है। वहीं विज ने मामले में किसी भी प्रकार की जांच जारी होने की बातों का पूरी तरह से खारिज कर डाला। इस मामले को लेकर राइस मिलर भी अनिल विज के सुर में सुर मिलाते नजर आए। राइस मिलरों की माने तो सरकार ने आदेश दिए हैं कि सरकार की धान का एक एक दाना तो मिल के बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा। मिल संचालकों की माने तो ये सरकार का माल है, सरकार इसे लेकर जो भी चाहे आदेश दे सकती है, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नई नवेली सरकार के शुरुआती दिनों में ही दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच का आपसी मतभेद आने वाले समय में क्या रुख अख्तियार करेगा, ये तो समय ही बताएगा। मगर मौजूदा हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद बीजेपी जेजेपी गठबंधन को विपक्ष की जरूरत नहीं है, ये गठबंधन में रहकर भी खुद एक दूसरे के लिए विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। वहीं दूसरी ओर धान में नमी के नाम पर किसानों से पैसे काटे जाने को इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ा घोटाला बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा में भी यह मामला उठाने पर सीएम ने उनकी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी बनाई थी, साथ ही सबूत लाने को कहा था। पत्र में चौटाला ने मुख्यमंत्री से मामले की जाँच कराए जाने की मांग की है। को पर है, दो दिन तो मंत्रालय संभालूंगा। और कांग्रेसियों ने एक चीज विधानसभा में खड़े होकर कही थी कि जीरी नहीं खरीदी जा रही, जब भी मैंने कहा था खड़ा होकर कि हम तो जीरी का एक एक दाना भी खरीदेंगे और कोई चोरी करता है उसको पकड़वाओ, पर कांग्रेसियों में दम नहीं था। और हमारी सरकार ने फर्मली ये स्टेप फॉरवर्ड लेकर एक्शन प्लान बनाकर इम्प्लीमेंट किया है कि प्रदेश के अगर राजस्व को कोई लूटना चाहेगा तो उसको नहीं लूटना। हम यहाँ इंश्योर कर रहे हैं जी, कोई गाड़ी भरी हुई ना अंदर जाए ना कोई बाहर आए जी। कहाँ पे? ये सूरज राइस मिल में जी। अच्छा। हाँ जी, क्या आदेश है सरकार की तरफ से? मैं ये कोई गाड़ी को चावल गाड़ी को बाहर ना जाए ना अंदर आए जी, ये आदेश है मेरे को जी बस। हाँ। कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? आज तीसरा दिन शायद मेरे ख्याल जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई संदेह के घेरे में नहीं है, वो जॉइंट कस्टडी होती है क्योंकि सामान हमारा है, तो हमने अपना आदमी भी वहाँ पर एक खड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घोटाला हो गया इसलिए हमने अपना आदमी खड़ा किया है। लेकिन जांच चल रही है क्या? नहीं, कोई जांच नहीं चल रही है, कोई जांच नहीं चल रही है, कोई घोटाला नहीं हुआ है ये, क्योंकि हमारी जीरी को वो पर काम कर रहे हैं तो हम अपनी पर निगाह रखें, इसलिए हमने अपना आदमी भी खड़ा कर दिया, उनका आदमी भी है। सरकार ने यही आदेश दिए हैं कि सरकार की जीरी, ये जितनी भी जीरी और चावल है सरकार का है। हमें आदेश ये हैं भी कि कोई बाहर से ना कोई जीरी का ट्रक आए ना कोई चावल का ट्रक आए, लेकिन सरकार की गाड़ियाँ जा सकती हैं, जो डिलीवरी ऑफ राइस FCI को है वो जा रहा है। इसके
के अलावा कोई भरी हुई गाड़ी प्राइवेट? वो कुछ नहीं, हम ना कोई आ रही है ना कोई जा रही ना कोई लाता है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।